इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी है। ये मीटिंग आज कोलकाता में होगी और माना यह जा रहा है कि आयोग राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों को लेकर आज कोई फरमान जारी कर सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान जुट रही भारी भीड़ की वजह से कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हो रहा है। नतीजा ये हुआ है कि कोरोना पॉजिटिव केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में बंगाल में 6,700 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। इतना ही नहीं, महज एक हफ्ते के अंदर कोरोना के केस भी करीब 3 गुना बढ़ गए हैं। ऐसे हालात में चुनाव आयोग की मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। কোভিডের সময় একবার আসেনি, এখন আমার বাইরে থেকে লোক নিয়েছে, কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছে। उनकी सलाह अपनी जगह हो सकती है, सही, पर हमारा ऐसा मानना है कि चुनाव चुनाव के तरीके से होना चाहिए। बंगाल में इस तस्वीर ने सबको बेचैन कर दिया है। एक और देश में कोरोना जानलेवा बनता जा रहा है। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, शमशान घाट में कतारें लग रही हैं और बंगाल में रोड शो और बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। एक छोटे से हिस्से में हजारों लोगों का जमावड़ा लगता है, लेकिन ना बीजेपी को इससे परहेज है और ना ही टीएमसी को। चुनावी रैलियों में सब मिलकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं और चुनाव आयोग भी अब तक धृतराष्ट्र बनकर बैठा रहा। लेकिन अब जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने रैलियों में टूट रहे कोरोना प्रोटोकॉल पर फटकार लगाई तो चुनाव आयोग की नींद खुली। बंगाल में कोरोना के बढ़ते केस के बीच चुनाव आयोग की आज सर्वदलीय बैठक है। चुनाव प्रचार को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। टीएमसी मांग कर रही है कि बाकी 4 चरणों के चुनाव एक ही चरण में कराए जाए। लेफ्ट ने भी कह दिया है कि अब उनके नेता बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कोरोना का पहला फेज देखने के बाद भी सरकारें क्यों नहीं जागी, क्यों नहीं चुनाव को देखते हुए कड़े गाइडलाइंस बनाए गए। बंगाल में महज 9 दिनों के अंदर कोरोना के केस तकरीबन 3 गुना तक बढ़ गए हैं। 7 अप्रैल को 1,515 मामले आए थे, 10 अप्रैल को 2,763 नए केस आए, 12 अप्रैल को 2,550 नए केस, 14 अप्रैल को 5,892 नए केस और 15 अप्रैल को 6,769 मामले सामने आए। कोरोना से सावधानी बरती जाए तो जिंदगी भी रहेगी और नेता चुनाव भी सही सलामत रहकर लड़ सकेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।